वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी। देखिए मैंने ये कटहल लिया है, मैंने ये 1.5 किलो कटहल लिया है जिसे मैंने छील कर करके बॉयल कर लिया था और उसका पानी मैंने फेंक दिया था। जो इसका पानी कसावट वाला पानी होता है वो पानी मैंने फेंक के इसे बॉयल कर लिया था अच्छे से और अब मैं इसे फ्राई करूँगी। देखिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। मैंने सरसों तेल लिया है, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। देखिए ये तेल में मैंने ये कटहल डालूंगी जिस जो 1.5 किलो है कटहल। मैं 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। देखिए मुझे भूनते हुए से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे फ्लेम को हाई रखिएगा और फिर 5 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लीजिएगा। अब ये हो चुके हैं, अब मैं इसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगी। अब मैं इस पर प्रेशर कुकर चढ़ाऊंगी। अब मैंने इस पर प्रेशर कुकर चढ़ाया है, मैंने प्रेशर कुकर को प्रीहीट कर दिया। अब मैं इसमें 6 से 7 टेबल स्पून सरसों तेल डालूंगी। तेल थोड़ा इसमें अच्छे से जाता है। अब इस तेल में मैं डालूंगी ये खड़े गरम मसाला। ये जो खड़ा गरम मसाला है मैंने लिया है 2 बड़ी इलायची, 2 स्टिक लिया है मैंने दालचीनी के, 4 छोटी इलायची, 10 से 12 मैंने गोलमिर्च ली है और 10 लौंग लिया है मैंने और 4 से 5 मैंने ये तेज़पत्ता लिया है और ये मैंने 2 लाल मिर्च ली है। लेकिन लाल मिर्च अभी हम नहीं डालेंगे, मैं इसे बाद में डालूंगी। मैं ये का गरम मसाला इस तेल में ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह। देखिए ये मसाले थोड़ा भुन जाए, इनका फ्लेवर तेल में आ जाए। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। मैंने ये 7 से 8 प्याज लिया है क्योंकि मेरा 1.5 किलो ये है कटहल है, तो मैंने 7 से 8 प्याज लिया है बड़े साइज की और मैंने इसे चॉप कर लिया है अच्छे से। अब मैं इसे प्याज को इसमें ऐड करूंगी तेल में। डाल दिया था, अब मैं इसे 10 मिनट तक फ्राई करूंगी। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, इसे हल्का पिंक होने तक आप 10 मिनट तक पकाएं प्याज को। देखिए प्याज हमारे भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए हल्के पिंक हो गए हैं प्याज। अब मैं इसमें ये जो मैंने कटहल फ्राई किया था ये मैं थोड़ा देर भूनेंगे प्याज के साथ। Thank you.
अदरक डालूंगी। अदरक को मैंने कूट लिया था, मैं एक छोटा साइज का अदरक लिया था मैंने, उसे मैंने कूट लिया। मैं इसमें ऐड करूंगी ये मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मैंने गार्लिक पेस्ट लिया है लहसुन का, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसे हम थोड़ा देर भूनेंगे ताकि अदरक और लहसुन की जो कच्चापन है वो इसमें से निकल जाए। देखिए ये भून चुके हैं हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने इसमें डाला था वो ठीक से भून चुके हैं। अब मैं इसमें ये 2 लाल मिर्च डालूंगी जो मैंने दिखाई थी आपको, वो डालूंगी। और अब मैंने ये 4 साइज छोटे साइज के मैंने ये टमाटर लिए हैं जो मैंने इन्हें रफली चॉप कर दिया है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा देर इसे, जब तक टमाटर हमारे गल नहीं जाते हैं, मैं इन्हें थोड़ा देर पकाऊंगी। देखिए ये हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, मैंने ये 2 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है और 2 टीस्पून मैंने मिर्च पाउडर लिया है और नमक मैंने 2 टीस्पून लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मिर्च आप थोड़ा कम ही डालिएगा, इसलिए कि मैंने खड़ी लाल मिर्च डाली है इसमें और मैं लास्ट में इसमें हरी मिर्च भी ऐड करूँगी, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्च ऐड कीजिएगा इसमें। अभी इसमें भी डाल दूँगी। थोड़ा देर चलाएंगे ताकि सारे मसाले मिल जाएं इसमें अच्छे से। फ्लेम को हाई रखेंगे। देखिए मुझे भूनते हुए ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तेल भी इसका सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें 2 ग्लास पानी डालूंगी। दो ग्लास मैंने पानी डाला है इसमें। पानी आप अंदाज से ही डालें क्योंकि मैंने प्याज भी इसमें इतनी सारी डाली है तो है ना, प्याज का पानी भी छोड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग डालें पानी, प्याज के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं इसे प्रेशर कुकर का ढक्कन मैं इसे बंद कर दूंगी और इसे 4 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पकाऊंगी और उसके बाद मैं फ्लेम को मैंने स्लो कर दूंगी ताकि ये थोड़ा देर पक जाए, 10 से 15 मिनट। देखिए मेरे कटहल को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे लो फ्लेम पर कर दिया था। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट क्या है। वाओ, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, तेल भी सेपरेट हो गया है, कितना अच्छा कलर आया हमारे सब्जी का। देखिए हमारे अच्छे से टेंडर हो चुके हैं कटहल। इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा धनिया डालूंगी, धनिया पत्ती मैंने इसे चॉप कर लिया था, थोड़ा धनिया पत्ती डालूंगी मैं इसमें। और 2 मिर्च को मैंने तोड़ लिया था इस तरीके से, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए हमारी सब्जी तैयार है, अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। देखिए मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। मैं इस पर थोड़ा सा गार्निश के लिए हरी धनिया डालूंगी।
देखिए मैं मेरे ये तैयार है सब्जी, कितनी अच्छी है और इतनी मजे की बनी है। आप इसे रोटी, नान या चावल के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी आपको कोई भी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।